ये कहानी है एलिस की, जिसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखी है, इसलिए उसे लड़कों में बहुत ही ज्यादा रुचि है और अब वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती है। और जब उसे कोई नहीं मिलता है तब वो अपने आप को खुद ही प्लेजर देती है और अपने आप को छूती है। हम लोग देखते हैं एलिस एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है, इसलिए उसे बार बार ये समझाया जाता है ये सब शादी से पहले करना बिल्कुल गलत है और ईश्वर की नजरों में ये पाप है। लेकिन एलिस से अब रहा नहीं जा रहा था और वो अपने आप को प्लेजर देती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब सही है या गलत। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है यस गॉड यस। कहानी की शुरुआत में हम लोग एलिस को हाई स्कूल में देखते हैं, तभी हम लोगों को ये बताया जाता है ये कैथोलिक हाई स्कूल अपने रूल्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है और यहाँ छोटी छोटी गलतियों के लिए पनिशमेंट दी जाती है। जैसे अगर कोई लड़का बेल्ट नहीं लगाता है तब उसे पनिशमेंट दी जाती है, और स्कूल वाले हमेशा लड़कियों की स्कर्ट को नापते हैं कहीं उनकी स्कर्ट ज्यादा छोटी तो नहीं है, ताकि लड़कियां छोटी स्कर्ट ना पहने। अगर कोई लड़की छोटी स्कर्ट पहनती है तब भी उसे पनिशमेंट दी जाती है। इसके बाद हम लोग क्लासरूम में देखते हैं, यहाँ एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं और इनका नाम है फादर मर्फी। वो इन सभी को सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ वो इन लोगों को समझाते हैं किसी भी लड़का या लड़की को इंटीमेट तभी होना चाहिए जब उन लोगों की शादी हो जाए, और उसे सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही इंटीमेट होना चाहिए, और अगर वो अपने पार्टनर के अलावा किसी के साथ भी इंटीमेट होगा तब उसे ईश्वर की नजरों में पाप माना जाएगा। जो भी ऐसा करता है उसे गॉड पनिशमेंट देगा, क्योंकि ऊपर वाला हमें हर वक्त देखता है, इसलिए हम लोगों को ईश्वर के खिलाफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद एलिस अपने क्लास से बाहर आती है, उसी वक्त उसकी फ्रेंड उससे मिलती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम लौरा था। लौरा उसे बोलती है मैं यहाँ के नियमों से परेशान हो चुकी हूँ। लौरा को ऐसा लगता था इंटीमेट होना पाप नहीं है, इसलिए उसे ये सारे नियम बेकार लगते थे। इसके बाद लौरा एलिस से ये बोलती है क्या मास्टरबेट करना भी पाप है? तब एलिस कहती है नहीं। लौरा कहती है हम सबको ये पता है कि हम सभी ऐसा करते हैं। एलिस लौरा से बोलती है क्या टाइटैनिक का वो सीन को भी देखना पाप है जिसमें हीरो और हीरोइन इंटीमेट हो रहे थे? लौरा कहती है यहाँ के नियम से वो भी पाप है। कुछ देर के बाद एलिस अपने घर जाती है। यहाँ हम देखते हैं एलिस अपने घर में अकेली होती है, क्योंकि एलिस अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसके भाई या बहन नहीं थे, और उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी होते थे। जब एलिस अपने घर में बोर हो रही होती है तब वो अपने कंप्यूटर में किसी से चैट करती है। चैट करने के दौरान उसे एक रैंडम आदमी से मैसेज आता है जिसमें वो आदमी और उसकी वाइफ इंटीमेट हो रहे थे और दोनों ही उस पिक्चर में नंगे होते हैं। एलिस जब इस फोटो को देखती है तब वो बहुत चौंक जाती है। वो जल्दी से अपनी नजरें इस तस्वीर से हटा लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से उस पिक्चर को देखती है। तभी वो आदमी एलिस को मैसेज करता है और उसे उसके बारे में पूछता है कि वो कौन है और कहाँ से है। एलिस यहाँ उसे अपना गलत नाम बताती है। वो आदमी एलिस से बातें करना चाहता था। इसके बाद वो आदमी इससे पूछता है क्या तुम्हारे पास तुम्हारी कोई तस्वीर है? एलिस अपने दोस्त की एक तस्वीर उसे भेज देती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। बातें करते हुए दोनों के बीच में उस टाइप की बातें होने लगती हैं और धीरे धीरे एलिस गर्म हो जाती है। इसके बाद वो अपने स्कर्ट में हाथ डालती है। वो ऐसा कर ही रही होती है तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके माता पिता घर वापस आ गए हैं, इसलिए वो जल्दी से अपने कंप्यूटर को बंद कर देती है। इसके बाद हम लोग एलिस को उसके स्कूल में देखते हैं। एलिस अपने दोस्त से बातें कर रही होती है तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और इस लड़की का नाम है बेथ। बेथ एलिस से बोलती है आजकल तुम बहुत सारे कांड कर रही हो और तुमने लौरा के पार्टी में तो कमाल कर दिया। लेकिन एलिस को उसकी बातें समझ में नहीं आती है और वो सोचती है ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तभी लौरा बेथ से पूछती है तुम मेरे पार्टी में क्यों नहीं आई? तब बेथ कहती है मैं एक ट्रिप पर गई थी और उस ट्रिप ने मेरी जिंदगी बदल दी। इन दोनों से ऐसा कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद एलिस यहाँ चॉकलेट खा रही होती है, लेकिन उसका चॉकलेट खाने का अंदाज काफी अलग था और वो उसे चाट चाट कर खा रही थी। एलिस को ऐसा करता हुआ देखकर वहाँ बैठे लड़के हंसने लगते हैं। उसे उन लड़कों का हंसना अच्छा नहीं लगता है और वो यहाँ से उठकर चली जाती है। तभी एलिस के सामने वही लड़की आती है जिसकी तस्वीर उसने एक आदमी को इंटरनेट पर भेजी थी। वो लड़की यहाँ आकर उस पर बहुत गुस्सा होती है और वो एलिस से कहती है तुम बहुत ही बुरी लड़की हो। एलिस को उसकी बातें समझ में नहीं आती है। कुछ देर के बाद एलिस अपने एक टीचर से मिलती है। वो एलिस को समझाती है तुम अपने बॉडी के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि ये सब ईश्वर की देन है। तभी एलिस समझ जाती है कि पूरे कॉलेज में ये बात फैल चुकी है कि एलिस मास्टरबेट करती है, और अब एलिस फादर मर्फी के पास जाती है और वो उन्हें अपनी पूरी बात बताती है। फादर मर्फी उससे बोलते हैं ये सब गलत है और वो उसे इसका उपाय बताते हैं। वो उसे कहते हैं तुम्हें ईश्वर के पास जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए, तुम चर्च में जाकर 20 बार प्रे करो। एलिस ऐसा ही करती है। वो यहाँ प्रे करके गॉड से माफी मांगती है और वो सोचती है उसका दिमाग बहुत भटक चुका है, इसलिए वो कॉलेज के ट्रिप पर जाएगी जहाँ बेथ गई थी। वहाँ उसे ईश्वर के बारे में और भी जानने को मिलेगा, इसलिए वो इस ट्रिप पर निकल जाती है। तभी हम लोग इस ट्रिप पर लौरा को देखते हैं, लेकिन लौरा यहाँ अपने माइंड को शांत करने नहीं बल्कि एक लड़के को पटाने के लिए आई थी। वो लड़का लौरा का सीनियर है और लौरा बार बार उसे ही देखती है। फाइनली ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ इन लोगों को रुकनी थी। सारे लोग कैंप के अंदर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर कैंप से कुछ बच्चे आते हैं
जो कि पहले से यहाँ थे, और उन्हें ग्रुप लीडर बनाया जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम क्रिस है। एलिस जब क्रिस को देखती है, एलिस को उससे प्यार हो जाता है। कुछ देर के बाद ये लोग कैंप के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एलिस की मुलाकात नीना से होती है, जो कि यहाँ की इंचार्ज है। नीना एलिस से ये बोलती है, तुम अपना फोन हमें दे दो, क्योंकि तुम 4 दिनों तक यहाँ रुकने वाली हो और यहाँ फोन अलाउड नहीं है। ये लोग फोन इसलिए लेते हैं ताकि यहाँ आने वालों का ध्यान सिर्फ ईश्वर पर हो। इसलिए वो कहती है, तुम्हारे पास फोन, घड़ी और ऐसी जो भी चीजें हैं तुम हमें दे दो। तभी एलिस उससे बोलती है, मेरे पास फोन नहीं है, और वो ऐसा कहते हुए फोन को छुपा लेती है और सिर्फ अपने घड़ी को देती है। यहाँ इन सारे बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। एलिस के ग्रुप का इंचार्ज क्रिस था, वो इस बात से बहुत खुश होती है। कुछ देर के बाद फादर मर्फी यहाँ आते हैं। वो सबसे कहते हैं, अगले 4 दिनों तक तुम्हें अपने आप को देखना है। यहाँ तुम लोग अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को महसूस करोगे, और ये सब तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ईश्वर ये चाहता है तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, इसलिए उसने तुम लोगों को यहाँ आने के लिए चुना है। यहाँ फादर मर्फी सभी लोगों को एक पेपर देता है जिसमें अलग अलग तरह के मूड्स लिखे हुए थे। फादर मर्फी इन लोगों से कहते हैं, तुम लोग अपने अपने मूड्स को चुनो, जिसे तुम लोगों ने हाल ही में महसूस किया है। इसके बाद सारे लोग टिक मार्क करने लगते हैं। जब एलिस अपना टिक मार्क कर रही होती है, तब वो टर्न ऑन को भी चुन लेती है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही उसने ऐसा महसूस किया था और वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन जल्द ही एलिस को ऐसा लगता है, अगर इसके बारे में सभी को पता चला तब फिर से उसे डांटा जाएगा, इसलिए वो पहले उस सर्कल को मिटाने लगती है। लेकिन जब वो सर्कल नहीं मिटता है तब वो उसे काट देती है। इसके बाद वो पेपर सबमिट कर देती है। तभी नीना सबके सामने अपना कन्फेशन करने के लिए आती है, और वो कहती है, थोड़े समय पहले मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे माता पिता मुझे प्यार नहीं करते हैं और वो सिर्फ मेरी छोटी बहन से प्यार करते हैं, क्योंकि वो हर चीज में मुझसे बेहतर है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे माता पिता मुझे भी प्यार करते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है जैसे इस जगह में कुछ ना कुछ शक्तियाँ हैं। एलिस को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तभी हम लोग रात में एलिस को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि उसे अपने फोन को साइलेंट कर देना चाहिए। इसके बाद वो अपने फोन को साइलेंट कर देती है। तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। वो जैसे ही इस वाइब्रेशन को महसूस करती है, इसके बाद वो अपने मोबाइल के वाइब्रेशन से ही अपने आप को प्लेजर देने लगती है। लेकिन थोड़ी देर ऐसा करने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि इस कमरे में क्रॉस लगा हुआ है और क्रॉस के सामने ऐसा करना गलत है। इसके बाद वो रुक जाती है। अगले दिन हम लोग सभी लोगों को जंगल में देखते हैं। ये सारे लोग ट्रैकिंग करने के लिए गए थे। यहाँ एलिस जानबूझकर अपने आप को घायल कर लेती है ताकि इनके ग्रुप का लीडर जो कि क्रिस है वो इसके पास आ जाए। ऐसा ही होता है और क्रिस उसके पास आता है। एलिस नहीं चल पा रही थी, इसलिए क्रिस उसे उठा लेता है और वो उसे लेकर जाने लगता है। ये देखकर एलिस बहुत खुश होती है। इसके बाद वो क्रिस के साथ कैबिन में जाती है। क्रिस उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल करता है। तभी यहाँ नीना आती है और वो एलिस से कहती है, सभी को ग्रुप फोटो के लिए बाहर जाना है। इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं। तभी नीना एलिस के फोन के वाइब्रेशन को सुनती है। जब वो ड्रोवर को खोलती है तब उसे वहाँ एलिस का फोन मिलता है। ये देखकर वो एलिस पर बहुत गुस्सा होती है और वो उससे कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, बाहर इन लोगों का ग्रुप फोटो होता है। यहाँ फादर मर्फी एलिस को डांटते हैं और वो कहते हैं, तुमने फिर से हम लोगों से झूठ बोला और तुमने यहाँ के नियमों को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम इस पूरे जगह की सफाई करोगी। इसके बाद एलिस यहाँ की सफाई करने लगती है। जब वो सफाई करते हुए फादर के कमरे में पहुँचती है तब उसे वहाँ एक कंप्यूटर दिखाई देता है। वो देखती है यहाँ आसपास कोई नहीं है। इसके बाद वो उस कंप्यूटर को ऑन करके वहाँ चैटिंग करने लगती है। यहाँ वो बात करते हुए एक लड़के से इंटीमेट होने के बारे में पूछती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से कंप्यूटर को बंद करके यहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से बाहर जाती है उसे नीना मिलती है। नीना उससे कहती है, सारे लोग सच ही कहते हैं, तुम्हारे अंदर बहुत हवस है। एलिस को ऐसा बोलने के बाद नीना यहाँ से चली जाती है। अब इन सभी का यहाँ 3 दिन गुजर चुका है। जब सारे लोग बैठे होते हैं तभी फादर मर्फी यहाँ आते हैं और वो इन लोगों से ये कहते हैं, किसी ने मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है और वहाँ उसने चैट भी किया है, इसलिए तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम लोग चुपचाप मुझे बता दो कि मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया है। लेकिन कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए मर्फी इन लोगों से यहाँ कहता है, ऊपर वाला सारी चीजों को देख रहा है और इसकी पनिशमेंट ऊपर वाला तुम्हें जरूर देगा। इसके बाद फादर मर्फी एक एक करके सारे बच्चों का इंटरव्यू लेता है ताकि उसे ये पता चल जाए उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया है। जब एलिस की बारी आती है तब फादर मर्फी उससे बोलता है, पूरे कॉलेज में तुम्हारे बारे में चर्चे हैं और तुम्हारे हवस के बारे में सभी को पता है। मैंने तुम्हारे पेपर में देखा था, तुमने टर्न ऑन को भी सर्कल किया था। एलिस यहाँ बहाने बनाती है और वो फादर मर्फी से ये कहती है, मेरे बारे में कॉलेज में बहुत सी अफवाहें फैलाई गई हैं और मुझे ये पता है ये सब मेरे दोस्तों ने ही किया है, इसलिए आपको उन बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं एक अच्छी लड़की हूँ। फादर मर्फी से बात करने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है। कुछ देर के बाद वो सफाई करते हुए अपने क्लासमेट से मिलती है जिसने उसके बारे में सारी अफवाहों को फैलाया था, और वो उस लड़के से ये बोलती है, तुम्हें हमारे कॉलेज में सबको ये बताना पड़ेगा, हमारे बीच में कुछ नहीं है और जो भी कुछ है वो सिर्फ अफवाह है। तब वो लड़का एलिस से कहता है, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है,
तभी वहाँ पर फादर मर्फी आ जाते हैं और वो उस लड़के को लेकर यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद एलिस साफ सफाई में लग जाती है। तभी एलिस खिड़की से यह देखती है नीना एक लड़के को किस कर रही है और किस करने के बाद वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इस चीज को देखने के बाद एलिस बहुत चौंक जाती है। उसके हाथ में सफाई करने वाला झाड़ू होता है। इसके बाद वो उस झाड़ू से ही अपने आप को प्लेजर देने लगती है। अपने आप को चरम सुख देने के बाद वो लौरा के पास जाती है और वो उसे पूरी बात बताती है कि नीना क्या कर रही थी, लेकिन लौरा उसकी बातों में विश्वास नहीं करती है। लौरा उसे बोलती है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही सब चलता रहता है, इसलिए तुम्हें सभी लोग ऐसे लगते हैं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा हवस भरा हुआ है। तुम्हारे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है, इसलिए तुम अब से मुझसे बात नहीं करोगी। इतना कहने के बाद लौरा यहाँ से चली जाती है। एलिस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद एलिस को कहीं से उस लड़के का ब्रेसलेट मिल जाता है। ये ब्रेसलेट उसी लड़के का था जिसने एलिस के बारे में अफवाह फैलाई थी, और वो उसके ब्रेसलेट को उठाकर फादर के कंप्यूटर के पास रख देती है ताकि सभी को ऐसा लगे उसी लड़के ने फादर के कंप्यूटर से चैटिंग किया था। और वो फादर के रूम की तरफ जाती है। तभी फादर यहाँ आते हैं और एलिस जाकर छुप जाती है, और वो यहाँ आने के बाद अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं। इसके बाद वो अपने कंप्यूटर में एडल्ट मूवी देखते हैं और वो साथ ही साथ मास्टरबेट करते हैं। इस चीज को देखने के बाद एलिस बहुत हैरान होती है। इसके बाद वो गुस्से में बाहर आती है। उसे ऐसा एहसास होता है सभी लोगों ने अपने बारे में कुछ ना कुछ छुपा कर रखा है और सबके अंदर ही हवस है, इसलिए वो क्रिस के पास जाती है और वो क्रिस को किस करने लगती है। क्रिस भी उसे किस करता है, लेकिन धीरे धीरे ये लोग इंटीमेट होने लगते हैं। तभी क्रिस को एहसास होता है कि ये सब गलत है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। एलिस यही सब सोच रही थी। तभी ये लोग रात में बॉनफायर बनाते हैं और उसके आसपास बैठकर ये लोग एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन एलिस आज के बारे में सोच रही थी, इसलिए एलिस कैंप को छोड़कर भाग जाती है और वो सुनसान सड़कों पर चलते हुए एक बार में पहुंचती है। वो बार के अंदर जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक औरत से होती है और उसका नाम जीना है। ये लोग यहाँ एक दूसरे से बातें करते हैं। बातों ही बातों में जीना अपनी कहानी एलिस को बताती है और वो कहती है जब एक समय था जब वो भी कैथोलिक हुआ करती थी, लेकिन एक वक्त के बाद वो इन सारी चीजों से तंग आ गई क्योंकि उसे हर बात पर डांटा जाता था और हर चीज में उसे डराया जाता था। अगर तुम ये करोगी तब गॉड तुम्हें ये पनिशमेंट देंगे, अगर तुम वो करोगी तब गॉड तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। इसलिए जीना इन सारी बातों से तंग आ गई। जब एलिस जीना की बातों को सुनती है तब एलिस को ऐसा लगता है जैसे जीना अपने बारे में नहीं बल्कि उसी के बारे में बता रही है। एलिस जीना से कहती है मैंने टाइटेनिक मूवी में एक सीन देखी थी जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन मुझे उसके बारे में भी ये बताया गया अगर मैं उस सीन को देखूंगी तब मैं नर्क जाऊंगी, इसलिए मैं अब इन सबसे परेशान हो चुकी हूँ। तब नीना उसे बोलती है सभी लोगों के अंदर ये फीलिंग होती है, लेकिन कुछ लोग उसे छुपा लेते हैं जबकि कुछ लोग उसे नहीं छुपा पाते हैं, और जो लोग इस तरह की फीलिंग को नहीं छुपाते हैं दुनिया उन्हें बुरी समझती है और दुनिया ऐसा समझती है जैसे उनके अंदर हवस है। इतना कहने के बाद जीना उसे बोलती है चलो मैं तुम्हें कैंप छोड़ देती हूँ। इसके बाद वो एलिस को कैंप छोड़ने के लिए आती है। जब एलिस यहाँ से जा रही होती है तब नीना उसे बोलती है तुम्हें दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोचना चाहिए। एलिस को भी उसकी बातें अच्छी लगती हैं। इसके बाद एलिस कैंप में वापस आती है। सुबह हम लोग ये देखते हैं फादर मर्फी उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं जिस लड़के का ब्रेसलेट एलिस ने वहाँ रखी थी। अब सभी जगह ये बात फैल जाती है उसी लड़के ने फादर के कंप्यूटर से गंदी गंदी चैट्स की थी। ये जानकर लौरा एलिस के पास आती है और वो उससे माफी मांगती है क्योंकि लौरा ने एलिस को गलत समझा था। यहाँ एलिस उससे कह रही होती है मैं तुम्हें बहुत गलत समझती थी, मुझे ऐसा लगा था जैसे तुम्ही ने फादर के कंप्यूटर से वो चैट्स किए थे, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत थी और मुझे माफ कर दो। तभी फादर मर्फी यहाँ आते हैं और वो इन लोगों से ये बोलते हैं मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग एक एक करके यहाँ का एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर करो कि तुम्हें यहाँ कैसा लगा। तभी वो लड़का इन लोगों के सामने आता है जिस लड़के का ब्रेसलेट एलिस ने फादर के रूम में रखा था। वो अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा है कि उसने फादर के कंप्यूटर से गंदी गंदी बातें की। उसके बात को सुनने के बाद एलिस बहुत चौंक जाती है क्योंकि उस लड़के ने ऐसा किया नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी एलिस को ये समझ में आ जाता है कि उस लड़के को ये पता चल चुका है कि उन चैट्स को एलिस ने किया था, लेकिन उस लड़के ने एलिस के बारे में पहले ही अफवाह फैलाई थी और अब वो अपने किए के लिए शर्मिंदा है और जिसका प्रायश्चित वो अभी कर रहा है। उसके बाद एलिस की बोलने की बारी आती है। एलिस जैसे ही माइक के पास आती है वो यहाँ कहती है सभी के यहाँ अपने अपने सीक्रेट्स हैं और सभी लोगों ने अपने अपने सीक्रेट्स को छुपा रखा है, और कुछ लोग दूसरों के सामने ये नाटक करते हैं कि सभी लोग नियमों का पालन करें और वो ईश्वर से सभी को डराते हैं। इतना कहने के बाद एलिस यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने कंप्यूटर को ऑन करती है। यहाँ वो अपने नए कॉलेज के बारे में सर्च करती है जहाँ उसे एडमिशन लेना है। अगले दिन जैसे ही वो अपने कॉलेज में जाती है वो यहाँ क्रिस को देखती है। क्रिस यहाँ बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। एलिस उससे बातें करती है और उसे थोड़ा कंफर्ट फील कराती है। वो कहती है हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है तुम उसे भूल जाओ क्योंकि हम लोग अभी भी अच्छे दोस्त हैं। इस बात को सुनने के बाद क्रिस बहुत खुश होता है। इसके बाद एलिस जाती है फादर मर्फी के पास और वो उनसे कहती है मैं यहाँ कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। और वो कहती है जब मैं कैंप में गई हुई थी तब मैंने वहाँ एक आदमी को देखा था जो कि अपने कंप्यूटर में पोर्न वीडियोज देख रहा था,
और वो उसे देखते हुए मास्टरबेशन कर रहा था। एलिस की बातों को सुनने के बाद फादर मर्फी ये समझ जाते हैं कि एलिस उन्हीं के बारे में बात कर रही है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हैं और वो एलिस से ये कहते हैं, तुम्हें किसी को ऐसा करते हुए देखने की पनिशमेंट मिलेगी, तुम ईश्वर के पास जाओ और अपने कर्मों के लिए 100 बार प्रार्थना करो। इसके बाद एलिस यहाँ से निकलती है, लेकिन वो ईश्वर के पास प्रार्थना करने नहीं जाती है बल्कि वो अपने घर वापस आती है। वो यहाँ फिर से टाइटैनिक मूवी वाला सीन लगाती है और वो उसी सीन को देखती है जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, और वो उस सीन को देखने के बाद अपने हाथ से अपने आप को प्लेजर देती है। एलिस के हथौड़े के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।